कि हमने बताया ही है आपको कि अपर्णा यादव को गौ सेवा अध्यक्ष पद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इसे लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर करने वाले हैं, क्योंकि अपर्णा यादव गौ सेवा आयोग का 86% अनुदान अपनी संस्था के लिए ले चुकी थी। सपा राज में भी रहकर अब उसी की वो अध्यक्ष बन सकती है ये कहा जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस पर डिटेल और देना चाहेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपर्णा यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। सपा में रहकर भी वो योगी आदित्यनाथ के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखती थी। सपा में रहकर भी वो सबसे ज्यादा प्रिय विपक्षी दल के नेताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे प्रिय नेता थी। सपा में रहकर भी वो बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बोलती नहीं थी, सीएम योगी के खिलाफ नहीं कहती थी, जिससे सीएम योगी के साथ उनके रिश्ते इतने अच्छे थे कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का जब मन बनाया तो सीएम योगी सबसे आगे आकर उनका हाथ थामने के लिए तैयार रहे, जिन्हें भैया भी कहती है। योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव की बहू, घर की बहू, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा अब भाजपा के पक्ष में जमकर प्रचार करने वाली अपर्णा यादव विधानसभा में भले चुनाव न लड़ी हो लेकिन सपा के खिलाफ उन्होंने जमकर आरोप लगाए। तो अब योगी का भरोसा तो अपर्णा यादव जीत ही रही है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद उन्हें अगर पार्टी देती है तो प्रचार का इनाम के तौर पर उन्हें मिलेगा ये पद, ये कहा जा रहा है। और ये भी आपको बताना चाहेंगे तो क्या और भी कुछ हो सकता है। साल 2017 में एक आरटीआई में खुलासा हुआ था अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की ओर से गौ रक्षा और गौ सेवा करने वाली जिन संस्थाओं को अनुदान जारी किए गए थे उनका 86% अनुदान सिर्फ अपर्णा यादव की संस्था जीव आश्रय संस्था को दिया गया। अब अपर्णा यादव की जीव आश्रय संस्था से ही प्रसन्न होकर सीएम योगी आदित्यनाथ उनके लिए इस पद को अभी तक सुरक्षित रखते नजर आए हैं, यानी कि गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष पद सुरक्षित अपर्णा के लिए रखा गया है। तो आपको बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को वाकई बहुत ही ज्यादा गर्वान्वित महसूस कराएंगी अपर्णा अगर उन्हें इतना बड़ा पद मिलता है। वहीं आपको बता दें जीव आश्रय संस्था नगर निगम के कान्हा उपवन और ओमैसी स्थित गौशाला का संचालन करती है और इसके लिए अपर्णा ने बहुत कार्य किया है। अपर्णा के कार्य के बारे में तारीफ भी सीएम योगी ने सबसे पहले कर दी थी। तो आपको बता दे कि जिस तरह से खबर आई कि अभी तक देखा जाए तो इसमें करोड़ों रुपए जारी किए गए थे अनुदान के तौर पर, जीव आश्रय संस्था को सिलसिलेवार ढंग से 50,15,000 करोड़ के आसपास जारी किए गए थे निधि और अपर्णा को इतना मिला जिसे उपयोग उन्होंने किया। तो आपको बता दे कि अपर्णा यादव पर सपा तो मेहरबान रही लेकिन अध्यक्ष पद उन्हें नहीं मिला, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए उम्मीद करने वाली अपर्णा को बीजेपी में अध्यक्ष पद मिलता है तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है ये। अपर्णा की संस्था जीव आश्रय पर खासा मेहरबान तो पहले अखिलेश यादव की सरकार में कार्यकाल के दौरान भी उन्हें रहते देखा गया लेकिन बड़ा पद नहीं दिया गया, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा उन्हीं के संस्था ने तारीफ का काम किया है और इसलिए साल 2017 से लेकर साल 2018 में गौ सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए 1,50,000 रुपए के अनुदान में से प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा यादव की संस्था को कोई नुकसान जारी नहीं किया गया। यानी कि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे योगी सरकार सत्ता में आई तो अगले साल वित्तीय वर्ष साल 2017 से 18 में इस तरह की रिपोर्ट सामने आई, यानी कि अपर्णा और उनके पति प्रतीक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जिस तरह काम करते रहे, भाजपा खेमे से उनकी नजदीकियां तभी बढ़ी थी जिसका आज जाकर उन्हें फल बहुत जल्द मिलने वाला है अध्यक्ष पद के तौर पर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।